अभी हम स्वयं सुबह मॉर्निंग उठते हैं तो देखते हैं कि हमारा पैंट का कुछ हिस्सा जो है वो गीला है। यह हमारे ही साथ नहीं, हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों के साथ ऐसा होता है। आखिर काफी किया हमने, कभी जानने की कोशिश किया कि आखिर यह ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम इस बारे में जानने के लिए जहां तहां नेट का सहारा लिया और अपनी जानकारी आधी उधी जानकारी को पूरा किया। सो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाइट फॉल है क्या, ये कि इसके लिए कौन सा हार्मोन हमारे लिए जिम्मेवार है। तो सबसे पहले ये बता दें कि हमारा जो बॉडी में है, आपको जो भूख लगती है, आपके चेहरे में मोज दाढ़ी आना, आपके शरीर में बनावट आना, इन सभी चीजों का जिम्मेदार अगर कोई है वो होता है हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है, जो नाइट फॉल को, जिसको डॉक्टरी नाम कहते हैं नेक्टोरियल इमिशन, यानी कि एक और नाम इसका आता है स्लीप ऑर्गेनिज्म, ये दो नाम डॉक्टरी नाम से जानते हैं। ये दोनों चीज जो है हमारे लिए हार्मोन का बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब हम पॉबर्टी एज में आते हैं तो यह हार्मोन एक्टिव होने लगता है, हार्मोन की संख्या बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो है यह हमारे बॉडी में काफी तरह के बदलाव आते हैं। क्लियर, ये बॉडी में बहुत तरह से चेंजिंग आता है और ये चेंजिंग में क्या आता है, सेमेंस का बनना शुरू होने लगता है। सेमेंस का, जैसे कि आप पुरानी कहावत है कि जितना अगर घड़ा में पानी अगर भर दीजिएगा, अगर ज्यादा भरिएगा तो कैपेसिटी से बाहर होने के बाद वो निकल जाएगा। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो है इस हार्मोन के द्वारा से सेमेंस का जो बनना शुरू होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो पुराना जो हार्मोन के द्वारा जो सेमेंस बना हुआ है उसको बाहर ले जाता है और नया सेमेंस फिर बनना शुरू होता है, है ना गाइस। इसी तरह से सेमेंस में ना, अगर ये सवाल आता है कि आखिर ये घटनाएं जो है रात में ही क्यों होता है, नींद में ही घटना ये क्यों घटती है, तो आपको ये पता है कि रात में जो है हमारे बॉडी को, जो हमारा ये ब्रेन है, जो हमारा ये दिमाग है, ये जस्ट लाइक एक कंप्यूटर का प्रोसेसर का काम करता है। अगर प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है या हमारे कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं। उसी तरह से जब हम लोग दिन में कई तरह के काम करते हैं, कुछ हार्मोन हमको थकाता भी है, कुछ हार्मोन हमको सुलाता भी है, तो जिस प्रकार से जब हार्मोन हमें, जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे बॉडी को, इमिशन को प्रोसेस में वो हमको फ्रेश करता है, यानी हमारे बॉडी को इमिशन से जोड़ता है, इमोशन का प्रोसेसर हमको गंदगी को साफ करता है। जो यहाँ पर ब्रेन का सबसे बड़ा काम है कि ब्रेन जो है इमोशन जो या और कोई ऐसी चीज जो आपके लिए लाइफ का है, जो इम्पोर्टेंट है, वो देखिएगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि पुरानी कुछ बातें भूल जाते हैं, कुछ बातें हमको बहुत क्या एकदम बहुत दिनों से याद है। इसका पीछे यह रीजन है कि ब्रेन जब रात में हमारा जो काम भी प्रोसेसर जो काम करता है, जब सफाई करता है इमोशन का करता है, तो वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है। अगर ये सपना हमें रात में कन्वर्ट करने का काम भी करता है ये हार्मोन्स, अगर ये सफाई के दौरान में इमोशन से अगर आप जुड़ा हुआ है तो यह क्या करता है, सेक्स हार्मोन को एक्टिव कर देता है, और सेक्स हार्मोन के बाद फिर ये चला जाता है सेक्स ग्लैंड्स में पहुंच जाता है, और सेक्स ग्लैंड्स से फिर ये हमारे बॉडी में ये सेमेंस बाहर निकल जाता है। सो गाइस, इस तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।